हेलो चॉकलेट के दीवानों और दिलकश तोहफा देने वालों, फूड मास्टरी पर आप सबका बहुत सारा वेलकम है। मदर्स डे के लिए आज बेहद ख़ास, लाजवाब और ज़बरदस्त टेस्टी चॉकलेट रोज बुके बनाने जा रही हूँ, जो हमारी माओ के दिलों को छू जाएगा। आइए इस खाने वाले आर्ट पीस को बनाने में गोते मारते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने वाइट कंपाउंड चॉकलेट 400 ग्राम ले लिया है और अब इसे हमें फटाफट मेल्ट करना है। इधर पानी पहले से बॉयल हो रहा है, अब मैं इसे मेल्ट कर लूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने अब चॉकलेट का ऑयल बेस्ड कलर रेड कलर लिया हुआ है, बट ये मिक्स करने के बाद बेबी पिंक सा आता है। अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा कलर डालिए। और अब इसमें मैं पाउडर कलर डालकर फटाफट से मिक्स कर दूंगी। देखिए इस चॉकलेट में मैंने ना ही कोई एक्स्ट्रा शुगर ऐड की है, ना ही कोई ऑयल डाला है, मैंने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है। बहुत ही इजी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, छोटे से बच्चे भी इसे बना लेंगे। सेनोरिटा, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, वही हाल मेरे साथ हो गया। मेरे से चॉकलेट का स्पून चॉकलेट मोल्ड पर गिर गया, जिसकी वजह से इतना मेस हो गया। खैर अब मैंने दूसरे साइड मोल्ड में फटाफट से सारी चॉकलेट्स को फिल कर लिया, बस आपको भी इसी तरह फिल कर लेना है। बस अब मैं श्रेडेड कोकोनट इसके ऊपर से डाल रही हूँ। आप चाहे तो पहले ही मोल्ड में कोकोनट डाल दें श्रेडेड वाला, और उसके बाद आप चॉकलेट डालें। अब मैं इसमें शुगर स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ, और आप चाहे तो इसमें नट्स भी डाल सकते हैं, आपका जो भी दिल चाहे इस चॉकलेट में ऐड कर सकते हैं। और शुगर स्प्रिंकल्स को या नट्स को आप पहले मोल्ड में एम्प्टी मोल्ड में डाल दें, उसके बाद आप चॉकलेट डालें। अब यहाँ हमारा चॉकलेट मोल्ड तो रेडी हो चुका है, अब इसे एक ट्रे में रख के मैं फ्रिज में रख दूँगी 30 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए। यहाँ पर मेरे पास डाइस शेप का थर्मोकोल है और इस पर मैं बम्बू स्टिक्स लगा रही हूँ। और अगर आपके पास ये डाइस शेप का थर्मोकोल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लोरिस्ट के पास हमें वैसे भी जाना है और ये फ्लोरिस्ट के पास अवेलेबल रहता है। और देखिए यहाँ पे मैंने हार्ड शेप का थर्मोकोल शीट ले लिया है। इधर मेरी चॉकलेट रेडी हो चुकी है, सेट हो चुकी है। अब मैं फटाफट से सारी चॉकलेट्स को बाहर निकाल लूँगी, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी चॉकलेट रेडी हो चुकी है। ये देखिए सारी चॉकलेट्स बनके रेडी हो गई है, अमेजिंग शेप और सब खूबसूरत लाजवाब दिख रही है और फटाफट से बन जाने वाली। अब आई चॉकलेट को पैक करने की बारी, तो मेरे पास ये गिफ्ट रैपर शीट थी ऑलरेडी, लेकिन मैंने सर्च किया, मुझे प्लेन गोल्डन चाहिए था जो कि मुझे नहीं मिला, तो मुझे इसी से सेटिंग करनी पड़ी और इसको मैंने स्क्वायर शेप में कट करके फटाफट से अपनी सारी चॉकलेट्स को पैक कर लिया। और ये देखिए हमारी सुपर इजी, सुपर डिलीशियस, सुपर यमी चॉकलेट्स बनकर रैप होकर रेडी हो चुकी हैं। और अब मैंने जो थर्मोकोल का हार्ट शेप लिया था उस पर मैं फटाफट से सारी चॉकलेट्स को पेस्ट कर दूंगी। अब हमारा चॉकलेट हार्ट रेडी हो चुका है। बैम्बू स्टिक्स लगाकर जो मैंने डाइस थर्मोकोल रेडी किया था, अब इसके बैक साइड में मैं लगा दूंगी। अब मुझे इसके चारों तरफ फ्लावर्स लगाने हैं, रोजेस, तो अब चलिए चलते हैं फ्लोरिस्ट की शॉप पर। मैंने इस चॉकलेट रोज बुके का क्या किया, इसका फुल व्लॉग मेरे दूसरे चैनल लाइफ ऑफ सफवत पर है, आप वहाँ जाकर देखें, हमने बहुत इंजॉय किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फ्लोरिस्ट से फ्लावर्स लेकर खुद ही अरेंज करने लगी थी, बिल्कुल इसी तरह आप भी अरेंज कर सकते हैं या फ्लोरिस्ट से खुद अरेंज करवा सकते हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी की स्पेशल मॉम को सरप्राइज दीजिए इस चॉकलेट रोज बुके के साथ। अब यहाँ पे मैंने नीचे के साइड में वाइट पेपर लगवा कर कॉम्बिनेशन को बेस्ट बनाने की कोशिश की है, और देखिए इस तरह से वाइट पेपर उन्होंने लगा कर बुके को बेहद खूबसूरत बना दिया। अगर आप इस मेल्ट इन योर माउथ चॉकलेट रोज बुके की रेसिपी बनाकर अपनी मदर्स को गिफ्ट करते हैं तो सोशल मीडिया पर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और #foodmasterni #
चॉकलेट रोज बुके ज़रूर लगाइएगा और इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी एक ज़बरदस्त सी प्यारी सी टेस्टी सी लजीज सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुक्रिया दिल से।